welcome to the new video. Today we are going to talk about how to prepare for the SA-1 which are going to conduct in the school for class 11th students. जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं वो SA-1 की तैयारी किस तरीके से करें जो अच्छा स्कोर हो पाए, ठीक है, जो एक अच्छा स्कोर आप कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं फुल टिप्स देने वाला हूँ आज, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कितने मार्क्स आ जाएंगे, मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली जो आपके SA-1 में चैप्टर्स आते हैं मैथमेटिक्स के, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, पहला आपका सेट्स आता है ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में, दूसरा आपका रिलेशन एंड फंक्शन भी आपका आता है हर स्कूल में, ट्रिग्नोमेट्री तो ऑब्वियसली आता है, ठीक है, PMI आपका आता है मैक्सिमम स्कूल्स में, फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आता है आपका, ठीक है। फिर कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन या बाइनोमियल भी दे देते हैं, और कुछ स्कूल्स जो होते हैं वो सीक्वेंस एंड सीरीज भी दे देते हैं। तो बेसिकली मैक्सिमम स्कूल्स क्या करते हैं, इन 8 चैप्टर में से कोई 6 या 7 बच्चों को पकड़ा देते हैं, जिनमें से ये पहले 5 तो होते ही होते हैं, अगले 3 में डाउट होता है कि टीचर्स आपके लिए कौन सा चैप्टर पेपर के लिए देने वाला है। सो बेसिकली अगर मैं आपको इनकी ओवरऑल स्टडी बताऊं इन चैप्टर्स की, तो सेट्स एक बहुत ही आसान चैप्टर है जिनमें, जिस चैप्टर में आप बड़े प्यार से स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। रिलेशन फंक्शन उससे भी आसान एक चैप्टर है जिसमें आप बहुत आसानी से नंबर ला सकते हो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा टफ हो जाता है उन बच्चों के लिए जो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते या किसी रीजन से नहीं कर पाए, या जिनकी टेंथ में थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री वीक थी। नहीं तो जिन लोगों की टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होती है वो 11th की ट्रिग्नोमेट्री को पकड़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए मान लेते हैं मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ, ना टॉपर ना वीक। सेट्स आप बड़े प्यार से कर लेंगे, रिलेशन फंक्शन आप इजीली कवर अप कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा आपको ग्रिप बनानी पड़ेगी, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी, PMI बहुत इजी क्वेश्चन आएगा इससे, और एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है वो है K वाला, वो भी 6 मार्क्स का आएगा आपका सीधा, इसका मेरे हिसाब से आना चाहिए 6 मार्क्स का, ठीक है। और इसकी वीडियो हमने अपने चैनल पे डाली हुई है, तो अगर आपको PMI का क्वेश्चन 6 नंबर अपने पक्के करने हैं, 6 नंबर, तो आप फटाफट इस वीडियो के खत्म होते ही आप हमारी PMI की वीडियो देखना, उसमें फुल आपको डिस्क्राइब करा हुआ है कि किस तरीके से PMI का क्वेश्चन लिख के आना है पेपर में, कैसे कैसे मार्क्स दिए जाएंगे हर स्टेप पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी काफी हद तक मीडियम लेवल का है, मतलब ना टफ है ना इजी है, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा टफ माना जाता है क्योंकि ये नया कंसेप्ट है और बच्चे थोड़ा डर जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। देखो जिन स्कूल्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, वो मेरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली बात को दिमाग में मत लाना। जिन बच्चों के जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना, और जिन चैप्टर्स पे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ वही बात है, अपने नोट डाउन करते रहना, ठीक है। बाइनोमियल एक आसान सा चैप्टर है जो कि फॉर्मूला बेस्ड है पूरी तरीके से। सीक्वेंस एंड सीरीज वापस से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाता है इससे बन के। सो बेसिकली अगर आप 1, 2, 3, 4 भी चैप्टर करके जाते हैं तो आपके 100 में से कम नहीं तो 60-70 मार्क्स आसानी से बन जाएंगे। ट्रिगो अगर आप आधी कर जाते हैं तो आपका अच्छे से काम बन जाएगा। अब कुछ स्कूल्स क्या होते हैं 80 मार्क्स का पेपर करवाते हैं, और कुछ स्कूल्स क्या होते हैं 100 मार्क्स का। तो मैं आपको 100 मार्क्स के पेपर के अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि कैसा स्कूल पेपर दे सकता है और कैसा नहीं। सो बेसिकली अब मैं बताता हूँ, सेट्स आप क्या करिए, NCERT से पूरा कर जाइए अच्छे से, मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करके हर एक एग्जांपल कर लीजिए इसका, हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन का, हर एक पार्ट कर लीजिए 101%। मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ सेट का, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा
आप उसे फटाक से करके आएंगे और आपके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। रिलेशन फंक्शन में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, पूरी एनसीईआरटी कर जाइए, ठीक है, अच्छे से चाट जाओ एनसीईआरटी को यार, हर एक क्वेश्चन का, हर एक पार्ट, हर एक एग्जाम्पल, और मिसलेनियस जरूर करके जाना अगर आपको बहुत ही फाड़ू नंबर चाहिए। अगर आप मिसलेनियस कर जाते हो ना इन चैप्टर्स की जो सारे आपके आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके 100 में से 80 प्लस या 90 तो कहीं नहीं गए ऐसे वन में स्कूल में, और टीचर के सामने इतनी फाड़ू इमेज बन जाएगी आप लोगों की कि भाड़ में गए टेंथ के मार्क्स, यार अब कौन देखता है टेंथ के मार्क्स, अब इलेवंथ की बारी है, इलेवंथ पढ़ना है अब हमें अच्छे से, ठीक है। तो इलेवंथ में नई इमेज बनाओ अपनी, टीचर्स को दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है, कितने तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बस जरूरत है मेहनत की, जरूरत है पोटेंशियल की, जरूरत है अपना कंसिस्टेंसी रोज पढ़ने की, ठीक है। पढ़ना कुछ भी नहीं है यार, सेट्स एनसीईआरटी से पूरा चार्ट जाओ, मिसलेनियस एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, रिलेशन फंक्शन भी पूरी एनसीईआरटी चार्ट जाओ चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री आप एक काम करो, ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना डिग्री रेडियन वाली, जो आपकी रेडियन वाली एक्सरसाइज है उसे छोड़ दो। मैं आपको खुली छूट दे रहा हूं कि रेडियन और डिग्री वाली फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की छोड़ दो, और जो बची हुई सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज है ना ट्रिग्नोमेट्री की उसे अच्छे से कर लो, और थर्ड एक्सरसाइज बहुत आसान है, फोर्थ, ठीक है। बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चंस आपके थर्ड वाली जो एक्सरसाइज है उससे बनेंगे, जो कि टोटली आपकी फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप एनसीईआरटी कर जाते हो, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस भी नहीं करते ना, और एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन है और विद एग्जाम्पल्स कर जाते हो, तो आपके अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप अच्छी पकड़ बना सकते हो इस चैप्टर पे। पीएमआई का मैंने आपको बता दिया, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस एक वीडियो देख लो हमारी, 101% आपको वो क्वेश्चन समझ आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और वीडियो देखते ही क्वेश्चन समझते ही आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन फटाफट से खत्म कर लेना, पीएमआई पे आपकी पकड़ बन जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्राई करना यार कि एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए। सो बेसिकली सारा कुल मिला के आपका जो पेपर है वो डिपेंड करेगा एनसीईआरटी पे। पर अगर आपको एक चीज अच्छे से समझाऊं, मैं अगर आपको मैं एक चीज बोलूं कि यार मैं जो मैं बोल रहा हूं ना बार बार कि एनसीईआरटी पूरी कर लो, एनसीईआरटी पूरी कर लो, वो ये नहीं यार कि तुम एक एक क्वेश्चन रो रो के कर रहे हो, ये आंसर नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। एनसीईआरटी मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब ये है, मैं तुम्हें कोई भी क्वेश्चन उठा के दू, अब फटाफट से 2 से 3 मिनट में मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दे दो, ठीक है। इस ये मेरा मतलब है एनसीईआरटी कंप्लीट करने से, मतलब एनसीईआरटी को पूरा चार्ट जाओ अच्छे से, एक एक एग्जाम्पल करो उसका, एक एक एक्सरसाइज का, एक एक क्वेश्चन करो उसका भी पार्ट एक एक करो, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज कर जाओगे तो यू समझ लो कि सोने पे सुहागा वाली बात हो गई वो, तो ठीक है। तो एनसीईआरटी अगर आप 100% करके जाते हैं विद एग्जाम्पल्स, विद मिसलेनियस एक्सरसाइज, और हर एक पार्ट अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं, तो 101% 85 से 92 तक ले लो, आपके जो मार्क्स है 100 में से वो कहीं नहीं गए, गारंटीड आपके इतने मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। और ये चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरे तरीके से मेहनत करोगे तो आप चाहे अपना स्कोर देख लेना, आपके उतने ही मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपके लिए टिप्स दी थी, ठीक है। अब आप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मारना, ठीक है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाने वाला हूँ 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।